ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आवेदन देना है नहीं होंगे तो फिर मजे कैसे आएंगे वीडियो में। इस विषय को लेकर अभी आप सब ड्राइवर होंगे यहाँ। हम सांसद जी के पास आए ई रिक्शा की समस्या लेके। हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, एसपी साहब को भी दिया है। कलेक्टर साहब ने आईटो मैडम को पहुँचा दिया था। आईटो मैडम ने दो दिन चालान करे इनके, दो दिन में मैजिको ने एक भी रोड पे नहीं चले, क्योंकि बिना परमिट और बिना कागज से फिटनेस चलते ही। और ये हमसे मांगते हैं कि भैया तुम परमिट लेके आओ, तो हम कहाँ से ले, केंद्र से परमिट हमको इशू नहीं हुए तो हम परमिट कहाँ से लेके आएंगे। और इन्हीं गाड़ियों के मैजिक वालों के ही परमिट नहीं है। अगर ये आईटीओ मैडम अगर चार पाँच दिन सलंग अगर ये सख्ती करते हैं और अगर इनकी मैजिक जो बिना परमिट से पाई जा रही है तो उसको निरस्त कर दिया। क्या मानते हैं आपकी समस्या सबसे बड़ी आईटीओ विभाग की लापरवाही का कारण है? विभाग की लापरवाही करी है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमारा ही सुनवाई करी है कि भैया आपकी भी समस्या है, क्योंकि सवारी को हम हाथ नहीं पकड़ के बिठाते, सवारी कुछ आके हमारे पास बैठती है। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले से? क्या आईटीओ हमने सबको सूचना दे दी है, इसलिए आखिरी हमारे पास सांसद साहब है, इनको भी सूचना दे रहे हैं। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम सीएम साहब के पास जाएंगे आगे, क्योंकि वो कुछ आंदोलन करेंगे कि वो सुनवाई कुछ करें। क्या नाम है आपका? शिवाजी कुमार। थोड़ी देर साहब सांसद महोदय से मिलने के लिए आए थे ई रिक्शा चालक, क्या कुछ चर्चा हुई अभी आपकी मुलाकात हुई? उन्होंने बोला है कि मैं ये संज्ञान में लेके जांच करूंगा और आपके साथ न्याय होगा। कब से परेशान है आप लोग? हम तो सर ये 5 महीने हो गए। आपने बताया सब अपनी पीड़ा, कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? हाँ वहाँ अपने एसपी ऑफिस भी, कलेक्टर साहब को भी दिया है ज्ञापन, और जिसके बाद आरटीओ ऑफिस भी। तो अभी तक कोई इतना ठोस निर्णय नहीं लिया है, पर यहाँ से आश्वासन दिया सांसद महोदय ने कि आपके साथ जो भी है पूर्ण रूप से शांति से वो होगा निराकरण। ठीक है, क्या नाम है आपका? इस विषय को लेकर आप सांसद कार्यालय पर भारी संख्या में ई रिक्शा चालक पहुँचे हैं? सर हम ई रिक्शा वाले हैं, हम ई रिक्शा चलाते हैं। मैजिक वाले हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारी गाड़ी में सवारी नहीं बिठाने देते हैं और हमारी सवारी गाड़ी में से उतार लेते हैं और हमारी गाड़ी के आगे एकदम कट मार के गाड़ी ऐसी खड़ी करते हैं। और यूँ बोलते हैं कि हम थाने पे 1000 रुपये महीना देते हैं, आप थाने पे पैसे देते हो कि आपकी गाड़ी का परमिट बताइए। सर हमारी गाड़ी का कोई परमिट तो है नहीं, ई रिक्शा है, ठीक है ना। परेशान करते हैं और अगर उनकी धमकी से अगर हम नहीं दबे तो 4 आदमी को मोटरसाइकिल लेके हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगवा देते और गाड़ी फुटवा देते। आप थाने पे नहीं गए कभी? शिकायत थाने पे भी शिकायत दे दी, महारानी साहब को भी शिकायत दे दी हमने, सांसद महोदय में आवाज़ आ गए, कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हम। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं सर? मतलब सवारी दो, हमारे घर भी 4 बच्चे वो भी खाना खाते हैं, तो सवारी अगर हमें रोकेगी तो सवारी को हम बिठा के ले जाएंगे, हमें सवारी बिठाने देते नहीं, हमारी गाड़ी की सवारी उतार लेते हैं। सर अपनी समस्या को लेकर अभी तक आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? महारानी जी के पास भी चल गए। क्या कहना था उनका? वो वहाँ मुलाकात नहीं हुई, उनने आपका पता बता दिया, बीएनपी थाने पे आवेदन दे दिया। बताया उनने? यहीं का सांसद महोदय का बताया। क्या बोले? बोले सांसद महोदय के पास जाओ, आपकी समस्या का समाधान वो करेंगे। कौन बोला ऐसा? उनके जो मुनिम जी, जो और कोई अधिकारी साहब मिले? अपनी अधिकारी साहब को ही नहीं मिले, महाराज ने सब भी नहीं मिले। साहब कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे तो क्या? वहाँ आवेदन दिया हमने तो वहाँ से भी समस्या का समाधान नहीं। यहाँ सांसद जी से क्या चाहते हैं? सांसद जी से यही चाहते सर कि हम भी बच्चे को पाल रहे हैं और हम बजरंग दल के व्यक्ति है, तो हमारी समस्या का हल करो, ये मुसलमान लोग हमें चमका रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश पंवार। कितने आई रिक्शा संचालक आए अभी आप यहाँ जी? कितने ड्राइवर अभी आप यहाँ आए? 50 से 60 है।
को लेकर अभी आप ये सांसद कार्यालय पर पहुंचे? सांसद कार्यालय पर इसलिए आए हैं सब कि गाड़ी जब निकालते हैं घर से हम कि दो पैसे कमाने के लिए तो निकलते हैं, तो मैजिक वाले और सवारी जो बैठी रहती है गाड़ी में, वो गाड़ी में सवारी उतारते हैं और नहीं उतारे तो कालर पकड़ते हैं और मारते हैं। थाने गए आप कभी? थाने पे गए थे दो एक बार, शिकायत सब मिलके करी थी तो कुछ भी हल नहीं हुआ। वो बोलते कि हम वो भरते हैं, पैसे भरते हैं, वहाँ देते हैं, ये करते हैं और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है चलाने का। यहाँ किसी अधिकारी से अभी तक आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत अभी पेपर में भी कलेक्टर ऑफिस में भी दिया था हमने। क्या दिया था आपने? ये अपना मैजिक वाले उन परेशान करते हैं तो बोलते हैं कि जो बने वो करना तुम्हारे हिसाब से। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राठौर।